हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। फाइनली दोस्तों, बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये संकेत दे रहा है इसका कि आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका आपको पीटी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपको मॉर्निंग में ही न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, एकदम वही न्यूज़ है। 434 पोस्ट हैं और पोस्ट आपको तीन चार ही हैं जिसमें आपको ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि इस बार भी बिहार प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा पोस्ट नहीं है, ओनली 30 पोस्ट। और आपको पुलिस उपाध्यक्ष में, अधीक्षक में आपको 62 है। उसके बाद आप अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो अवर निर्वाचन 46 पोस्ट हो जा रहा है, फिर आपको बिहार शिक्षा में 72, और फिर सबसे ज़्यादा आपको ग्रामीण विकास पदाधिकारी 110 पोस्ट है। तो फिलहाल आपको यही है, 434 पोस्ट है, जैसा आशा था आपको कि बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं। काफ़ी वायरल हुआ, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको हो चुका था। तो मैंने एक आपको वीडियो बनाया है कि कैसे पढ़े, मतलब कौन से बुक पढ़े, वो स्पेशल पीटी के लिए है। वो उस समय बनाया था जब पोस्टों की संख्या अनुमानित थी कि 1500-1600 आएगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाल दिया। तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ज़रूर देखें और आप 105 का टारगेट कम से कम लेकर चलें, इससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि 64 में काफ़ी ज़्यादा आया था, 64th में जो सीट भी 1450 था, रिजल्ट भी आया था 19,000, तो फिर भी आपको 97 कटअप गया था। तो वीडियो को देखें और उसका अनुसरण करें, आपको ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। और आप मुझे यहाँ फॉलो करें, मैं आपको अपना अन अकेडमी का भी दूंगा, वहाँ भी आप मुझे फॉलो करें, वहाँ भी बीपीएससी से संबंधित चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इसमें है, आपको 37 साल है, कोई एज नहीं बढ़ा है। यूआर का आपको जो हल्ला था और ओबीसी का 40 ही है कि सबका 40 होना चाहिए, समान 40 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, 37 ही है। उसके बाद आपको इसमें और कुछ विशेष नहीं है। देखिए यहाँ एज आपको सब बता दिया गया है कि कहाँ से कहाँ एज है। तो 37 है ओबीसी, BC1, BC2 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति आपको 42 है, तो कुछ नहीं है। फिर आपको है इसमें रजिस्ट्रेशन 600 रुपये फ़ी है आपको जनरल का, केवल बिहार राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित आरक्षित महिला के लिए 150 है, दिव्यांग के लिए जो है 150 है, और बाकी सबके लिए आपको 600 है। सिलेबस भी कोई चेंजेस नहीं है, ये भी आपको है दे दिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो 150 क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 5 को ऑप्शन के साथ, और आपको मुख्य परीक्षा जो है वही, उस वहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है, सब सब्जेक्ट है जो जो आपको पहले भी था। तो चेंजेस कुछ नहीं है, बस ये है, बस ध्यान देना है आपको कि रजिस्ट्रेशन जो है 10 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक इसका आपको अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन का। वहीं आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि आपको 30 तारीख है, ऑनलाइन आपको आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6 अगस्त है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इतना आप वेट ना करें, आप जल्दी से भर लें। और केस चल ही रहा है, आपको मैंने उसका अपडेट दे ही दिया है, तो अपडेट भी वही था। उसके बाद दोस्तों कुछ है नहीं विशेष, कुछ भेजना नहीं है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको बस यूजर पासवर्ड जो है उसको सही से रखना है, भेजना आपको कुछ नहीं है। आप अपने पास रखें, सेव कर लें, पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव कर लें इसको, बस यही है आपको नोटिफिकेशन ये है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से वो वीडियो देख लें और टारगेट आप करें, और अन अकेडमी में भी मुझे फॉलो करें, वहाँ भी मैं बीपीएससी से संबंधित चीज़ें डालूंगा और वहाँ भी क्रैश कोर्स जैसे चलेगा। तो 105 का टारगेट आप मिनिमम बनाएं, 105 से कम का कोई गुंजाइश नहीं है। और किन किन सेक्शन में ज़्यादा प्रश्न आते हैं ये सब ज़रूर देखें और उस पर ज़्यादा फोकस करें। आपको समय नहीं मिलेगा सितंबर लास्ट, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।